सब्सक्राइब करें मेडिसिनल नॉलेज हिंदी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। इसराइल M2 टेबलेट जो कि सिस्टोपिक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है, 15 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 54 रुपीज़ रहता है। इसके अंदर दो कंटेंट डाले गए, ग्लिम्प्रेड 2 mg एंड मेट फॉर्मिन 500 mg। ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो कि डायबिटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड करते हैं। जब डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है, डायबिटीज टाइप 2 मेलेंटस होता है, तब इसको दिया जाने वाला टैबलेट है। तो इसराइल M2 टैबलेट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि इस टैबलेट को डॉक्टर किन पेशेंट्स को देते हैं तथा इसको कब तक लिया जा सकता है तथा डायबिटीज इसको लेने से क्योर होगी या नहीं होगी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो इसराइल M2 टैबलेट जो कि सिस्टोपिक लैब के द्वारा बनाया जाता है, सिस्टोपिक एक बहुत अच्छा कंपनी है जो कि स्किन के क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है तथा ये डायबिटीज़ के भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। तो इसराइल M2 टैबलेट जो कि यूज़ की जाती है और ट्रीटमेंट करती है टाइप 2 डायबिटीज मेलेंटस के अंदर, इसको डायबिटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लेने का और डॉक्टर जितना बोले उतना ही लेने का। अगर आप इसे ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, तो आपको हाइपर ग्लाइकोमा हो जाएगा, जिसमें क्या होता है ब्लड जो ग्लूकोज लेवल रहता है वो कम हो जाता है, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपको नोजिया हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा लोगे या इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा, तो डायरिया हो सकता है आपको, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपका सिर दर्द हो सकता है और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस टैबलेट को। तो इसके टैबलेट के साइड इफेक्ट से बचने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर जितना बोले उतना ही लेने का है तथा इसको खाना खाने के बाद और खाने से पहले भी ले सकते हैं जैसे आप डॉक्टर बोले, और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। इसराइल M2 टैबलेट के अंदर दो कम्बिनेशन मेडिसिन डाला, ग्लिम्प्रेड एंड मेट फॉर्मिंग। ग्लिम्प्रेड जो कि क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट करता है इंसुलिन का पैनक्रियास के अंदर, जिससे क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है पैनक्रियास के अंदर। और मेटफॉर्मिन क्या करता है कि ये करता है ग्लूकोज लेवल को कम करता है लीवर के अंदर तथा ऑब्जॉर्प्शन कर देता है ग्लूकोज को इंटेस्टाइनल के अंदर, जिससे क्या होता है कि इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा और सेंसिटिव रहेगा, जिससे डायबिटीज आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो इस टैबलेट को डायबिटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। अगर आपके डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंडेड किया और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हुआ, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस टैबलेट के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।